अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कराची वेदर ऑब्जर्वेटरी। और आज की नई वेदर अपडेट्स के साथ हाजिर हैं हम लोग। और आप लोगों को बताते चलें, आज हम लोग ECM WF मॉडल के हवाले से अपनी फोरकास्ट को मैनिपुलेट करेंगे कराची और सिंध की कोस्टल बेल्ट के हवाले से। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि आज संडे की मिडनाइट से जो है वो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो सिंध को अफेक्ट करना शुरू करेगी। इसके नतीजे में ओवरकास्ट वेदर इंशाल्लाह शुरू होगा, और ओवरकास्ट वेदर के हिसाब से हम मॉडल रन करते जाएं तो ये सिंध के अंदर और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बिलखसूस कराची में लाइट टू मॉडरेट रेन दिखा रहा है। और ये लाइट टू मॉडरेट रेन का सिलसिला आज इंशाल्लाह शुरू होगा लेट नाइट के बाद, और ये संडे को एट टाइम्स इंटरवल में चलेगा। तकरीबन रात 8 बजे तक ये बारिश का सिलसिला कंटिन्यू रह सकता है। तो इस दौरान जो है वो थंडर एक्टिविटी भी पॉसिबल है, थंडर स्टॉर्म भी बन सकते हैं कोस्टल बेल्ट में, और कराची में भी चांसेस हैं कि ये थंडर स्टॉर्म जो है एक आध हमें मिल जाए। और इस दौरान में जो हमारी रेन की स्पीड होगी वो लाइट टू मॉडरेट होगी, और सिंध के और जो कराची से इलाके हैं आगे हैं चंपी ठट्टा वगैरह, यहाँ पे भी थंडर स्टॉर्म की पॉसिबिलिटी है। और कराची में भी थंडर स्टॉर्म के चांसेस हैं, लेकिन वो कम है काफ़ी। और लाइट टू मॉडरेट रेन के चांसेस बरकरार हैं बहरहाल, और मूसलाधार बारिश के चांसेस इस वक्त सिर्फ 20% हैं। और बाकी अपडेट्स जो हैं वो अगले मॉडल के हवाले से हम अपनी फोरकास्ट में देंगे। कराची वेदर ऑब्जर्वेटरी के पेज को विज़िट कीजिएगा और हमारी लाइव अपडेट्स भी आपको मिलेंगी पेज पर इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, पेज को आप लाजमी आपने विज़िट करना है। और अभी मैं नेक्स्ट अपडेट भी अपनी दूंगा इंशाल्लाह, उसको भी आप लोग देखिएगा, वो भी डिफरेंट पैरामीटर्स को देखते हुए बताई जा रही है। थैंक यू वेरी मच।